जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का हम ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। तुम जा सकते हो। धर्मेश जयपुर वाला, यही लिखवाया ना तुमने? अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो फिर मैं कौन? आज तक मैं भी वैशाली धर्मेश जयपुर वाला लिखवाती आई हूँ। धर्मेश, तो वो क्या सब धोखा था? क्यों तुम्हारी नजरें नीचे झुक गई धर्मेश? हाँ, झूठ बोलते वक्त तो तुम्हारी जबान कभी नहीं लड़खड़ाई, तो अब क्यों धर्मेश? हाँ, अब क्यों तुम्हारी आंखें इस तरह शर्म से नीचे झुक गई? मुझे मिले सवालों का जवाब दो धर्मेश। वैशाली, तुम गलत समझ रही हो। इन्होंने तो ऐसे ही कह दिया कि मैं उनकी पत्नी हूं। असल में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या है? तुम इसकी पत्नी नहीं हो, और अगर तुम इसकी पत्नी नहीं हो तो इस वक्त इस होटल में इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसे करते वक्त शर्म नहीं आई? और अगर तुम धर्मेश को बचाना चाहती हो ना, तो प्लीज ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारे ही चरित्र पर हजारों सवाल उठ सकते हैं। धर्मेश, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? हाँ, जब उस बच्चे ने तुम्हें पापा कहा था ना, तभी मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी, इतनी पागल हो चुकी थी कि तुम्हारी हर बात पे भरोसा करती गई, तुम्हारी हर बात को सच समझती गई। लेकिन मुझे क्या पता था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। क्यों किया तुमने मुझसे ऐसा? हाँ, क्यों किया धर्मेश? मेरी क्या गलती थी धर्मेश? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? तुम्हें पता, जब तुम मेरे साथ नहीं होते थे ना, जब तुम मुझसे दूर जाते थे ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, सिर्फ तुम्हारे बारे में, तुम्हें याद करती रहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था उस वक्त मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, उस वक्त तुम किसी और औरत के साथ। धर्मेश जी, मुझे अपने आप पर घिन आ रही है।
इस वक्त मुझे तुमसे ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। जैसे लग रहा है मैंने तुम पर इतना भरोसा क्यों किया, इतना भरोसा तुम पर मैंने किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऐसा? वैशु मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। वैशु मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। वैशु मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। खबरदार रमेश, खबरदार, अपने मुंह से ये शब्द निकाला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। धर्मेश तुम मुझसे प्यार करते हो ये कहकर तुम मेरे प्यार की बदनामी कर रहे हो। शांत हो जाओ वैशाली, इस हालत में इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं। बंद करो अपना नाटक, चले जाओ यहां से। यही चाहते थे ना तुम, मेरा सच वैशु को बताने की तुम दोनों ने कितनी नाकामयाब कोशिश की। लेकिन आज तुम लोग कामयाब हो गए, बहुत खुश हो गए ना आज? भाई, भाई तुझे ये बात पता थी? यानी सिर्फ इसने नहीं, तुम दोनों ने भी मुझसे ये बात छुपाई। मेरी अपनी ताई मुझसे ये बात छुपा सकती है तो फिर मैं दूसरों से तो क्या एक्सपेक्ट करूं? वैशु, ताई, मुझे तुम सबसे नफरत हो चुकी। वैशु, नफरत हो चुकी है मुझे। वैशु, 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 वैशु। और वैशु को कुछ हो गया ना, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। वैशु, वैशु मेरी बात सुनो, वैशु, वैशु मेरी बात सुनो। मानव, मुझे वैशु की बहुत चिंता हो रही। मानव, उसने जिंदगी में सिर्फ धर्मेश पर विश्वास किया और उसने भी, वो टूट चुकी है मानव। पता नहीं उसने ऐसी हालत में कुछ, वो कुछ गलत नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो अर्चना। मैं देखता हूँ क्या करना है। अर्चना, तसल्ली मिल गई तुमको? जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है ना? मैंने तुमसे कहा था ना माधुरी कि जो भी तुम कर रही हो इसका अंजाम यही होगा, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। और क्या कहा था तुमने मुझसे कि मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ सकती? ये तुम्हारी मजबूरी थी जो मैं नहीं समझ सकती थी। धर्मेश के साथ एक ही होटल में, एक ही कमरे में, तुम्हें पता है माधुरी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो जो गलत इसमें फंस गई। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हो, तुम बहुत गिरी हुई लड़की हो। तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तुम इसीलिए मुंबई आई थी ना? अच्छा चलो, नहीं माने, आज नहीं। इस लड़की ने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, लेकिन इसकी आंखों में एक पछतावे का आंसू तक नहीं। और क्या कहा था तुमने मुझे उस दिन कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं धर्मेश की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, है ना?
तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? एक बात बताओ, मैं अच्छे से जानती हूँ माधुरी कि तुम धर्मेश को कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती, और अगर गई भी ना तो उसके साथ सारा सुख और चैन लेकर जाओगी। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी की मदद कर गलती करी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माना, जो हमने इसकी मदद की और इसी ने हमको धोखा दिया। सही कहा तुमने, मैं वाकई में एक बहुत घटिया औरत हूँ, इसीलिए मैं अपना सब कुछ आज तक खो दी आई। पहले माँ बाप को खो दिया, उसके बाद पति खो दिया, और अब तक बच्चा खोने जा रही हूँ। अर्चना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए नहीं, वो अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। अब बताओ अर्चना, क्या मैं गलत हूँ कि अपने बच्चे की जिंदगी बचाना गुनाह है? मैं गुनेगार हूँ, लेकिन अपने बच्चे की जान के लिए मुझे ऐसे 100 गुना कबूल। आज वैशाली टूटी है तो कई हाथ आगे आएंगे उसे संभालने को, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? किसी ने नहीं सोचा कि मैंने इतने साल ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि सतीश एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? हाँ, वैशु आई थी और हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, अच्छे से बातें कर रहे थे, और बीच में ही वो उठकर चली गई। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, ना कुछ बताया ना कुछ कहा, ऐसे ही चली गई। अब मैं उसे फोन ट्राई कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रही है, ना रिस्पॉन्ड कर रही है, ये लड़की भी ना। जरूर वर्षा ने बच्चे को लेकर के ही कुछ बात की होगी, वैशाली से रहा नहीं गया होगा। और वो सतीश, अब तुम्हें क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, प्लीज वैशु को फोन करो ना। हाँ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, धर्मेश के साथ में होगी, सो चिंता मत करो। लग रहा है क्या? नहीं, फोन नहीं लग रहा उसका, ट्राई करता हूँ वापस। बाल ट्राई करते हैं ना, उसमें क्या है, उसके साथ में होगी, डोंट वरी। कहाँ गई होगी वैशु, कहीं अपने घर तो नहीं चली गई, या फिर सतीश वर्षा के पास? अगर उसने वहां जाकर सब कुछ बता दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। धर्मेश। हाँ धर्मेश। हेलो सतीश, वैशाली है वहां पर। अरे वही पता करने के लिए मैं फोन कर रहा था तुम्हें। वैशाली आई थी यहाँ पे, उसकी बात भी हुई वर्षा से, कुछ देर बाद वो चली गई अचानक से, अभी पता नहीं कहाँ है। तुम कहाँ पे हो धर्मेश? हेलो, अरे देर क्या हुआ? नहीं, फोन काट दिया। वैशु के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं, उसको खुद नहीं मालूम, वो खुद उसे ढूंढ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्या करूं? वैशु की आई को फोन करके? नहीं नहीं नहीं, मैं वहां फोन नहीं कर सकता, अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो
लेकिन फोन तो करना ही होगा। कम से कम क्या हो रहा है क्या नहीं इसका पता तो चल जाएगा। हेलो आई, धर्मेश बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं एकदम बढ़िया। नहीं बस कुछ खास नहीं, वैसे ही बहुत दिन हो गए थे आपसे बात किए तो सोचा फोन कर लूँ। अपना ख्याल रखिएगा। वैशु ना? हाँ वैशु एकदम ठीक है। हाँ मैं फोन करता हूँ आपको। सुलोचना आई ने तो काफ़ी नॉर्मल ढंग से बात की और वैशु के बारे में भी पूछा। इसका मतलब वैशु अब तक वहाँ नहीं पहुँची है, थैंक गॉड। लेकिन फिर वो गई कहाँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे हालात है मारा? एक तरफ माधुरी जो अपनी जगह बिल्कुल सही है और दूसरी तरफ वैशु जिसकी जिसकी कोई गलती नहीं, और जिसकी गलती है वो है धर्मेश जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर माधुरी वैशु का साथ भी छूट जाए ना तभी वो तीसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा कैसे है वो? फिर एक बात समझ में नहीं आती मारा, करता कोई और है और भुगतता कोई और ही है। हमेशा हमेशा औरत को ही ज्यादातर भुगतना पड़ता है, ऐसा क्यों है? नहीं ऐसा नहीं अर्चना, मैं मानता हूँ अभी माधुरी और वैशाली भुगत रहे हैं लेकिन पापा के घर में देर है देर नहीं। धर्मेश को एक ना एक दिन सजा जरूर मिलेगी। तुमने देखा ना उसने कितनी कोशिश की सच्चाई छुपाने की लेकिन सबके सामने आ गई। तुम चिंता मत करो, तुम देखना एक दिन उसको सजा जरूर मिलेगी। हेलो धर्मेश बोल रहा हूँ, वैशाली वहां पर है? नहीं क्यों? वैशाली कहीं पर नहीं है, वो जहां जहां जा सकती थी मैंने हर जगह जाकर देख लिया, उसका कहीं कुछ पता नहीं है। मानव ये तुमने अच्छा नहीं किया, और वैशाली को कुछ मानव क्या हुआ? धर्मेश का फोन था, वैशाली कहीं मिल नहीं रही। मानव मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वैशु ने कोई गलत कदम उठा लिया तो। नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हम लोग चल के ढूंढते हैं। आओ। क्या महंगाई बढ़ गई है हाँ? क्या आता है सामान? ऐसा होगा थैली भर के पैसा लेके जा और पुड़ी में आएगा सामान। अरे 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 क्या करते हैं ये मिनिस्टर लोग। शी बाबा पहले चाय पी लेती हूँ। अच्छी खासी बनी बनाई चाय पी ली क्या? मेरी बनी बनाई चाय तुमने क्यों पी? तेरी चाय? तो मैं नहीं जानता था कि ये तूने अपने लिए रखी है इसलिए मैंने पी ली। जानते नहीं थे? नहीं जानते नहीं थे तो कब छुपाया क्यों बोलो ना। काम धंधा तो है नहीं पाव पसार के सोने का, 10 बार चाय पीने की हा? अच्छी खासी मेरी चाय पी के गए। जाओ अंदर मेरे लिए चाय बना के लाओ। अरे लेकिन वो मैंने खुद से थोड़ी ना पी ली है। वो मानव आया था ना उसने मुझे गर्म करके दी इसलिए मैंने पी ली। मानव आया था? अच्छा होटल में वेटर, घर में भी वेटर चाय दे के गया बाप को? अरे नहीं उसने वेटर की नौकरी छोड़ दी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ पता है क्यों? क्यों क्यों? उसके आई को पसंद नहीं है ना वेटर का जॉब करना। चलो मेरे बेटे को ख्याल तो आया अपनी आई की पसंद ना पसंदी का, इस खुशी में मैं चाय बना के पीती हूँ। हाँ मानव कहीं नहीं मिल रही है, हमें हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। नहीं अभी नहीं, वो लोग मामले को और उलझा देंगे। मुझे लगता है कल सुबह तक वेट करते हैं, अगर अगर कुछ नहीं होता ना तो फिर पुलिस को जाके बोलते हैं। अभी नहीं, अभी आओ मेरे साथ आओ।
घर में और एक मेहमान आने वाला है। I'm pregnant. तुम बाप बनने वाले हो। ये मेरी पत्नी है माधुरी धर्मेश चैपुरवाला। सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां या हो दूरियां बस प्यार।